नमस्कार, आप देख रहे हैं हरियाणा न्यूज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ छवि। आइए रुक करते हैं इस वक्त की बड़ी खबर की ओर। होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित करने की कड़ी में रहा ग्रुप फाउंडेशन ने कस्बे की दादा देवराज धर्मशाला में सम्मान समारोह आयोजित किया। इसमें 27 से अधिक स्कूलों के 722 टॉपर छात्रों को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। सम्मान समारोह में हरियाणा ओलंपिक संघ के पूर्व महासचिव एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता बृजेंद्र लोहान और खंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कार्यक्रम की अध्यक्षता केश कला कौशल विकास बोर्ड के निदेशक और रहा ग्रुप के चेयरमैन नरेश सेलपाड़ ने की। भाजपा नेता बृजेंद्र लोहान ने कहा कि रहा ग्रुप ने होनहार विद्यार्थियों और प्रतिभावान खिलाड़ियों को सम्मानित करने की जो सार्थक पहल की है, इसके भविष्य में बेहद सराहनीय परिणाम नजर आएंगे। इस सम्मान से होनहार विद्यार्थियों का जहां हौसला बढ़ेगा, वहीं दूसरे विद्यार्थी इससे प्रेरित भी होंगे। इस दौरान उन्होंने शिक्षा के महत्व और इसकी जरूरत पर भी जोर दिया। उन्होंने कहा कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा धन है जिसे कोई चुरा नहीं सकता। उन्होंने रहा संस्था के साथ मिलकर गरीब विद्यार्थियों को आर्थिक मदद देने का भी आश्वासन दिया। नारनौंद के खंड शिक्षा अधिकारी देवेंद्र कुमार ने कहा कि ये एक ऐसा कार्यक्रम है जो शिक्षा को बढ़ावा देता है। शिक्षा हम सबके लिए बहुत जरूरी है। उन्होंने कहा कि इस कार्यक्रम से उन बच्चों को प्रेरणा मिलेगी जो शिक्षा से दूर होते जा रहे हैं। ऐसे कार्यक्रमों से बच्चों का हौसला बढ़ता है और वो आगे लंबी उड़ान भरते हैं। रहा ग्रुप और केश कला बोर्ड के निदेशक नरेश सेलपाड़ ने कहा कि आज होनहार विद्यार्थियों को सम्मानित करने का प्रोग्राम रखा गया था। क्षेत्र के 722 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया है। उन्होंने कहा कि हम ऐसे प्रोग्राम पूरे हरियाणा में करते रहते हैं। ये हिसार जिले का आज प्रथम प्रोग्राम था। इस सम्मान समारोह में कुल 27 स्कूलों के कक्षा 10वीं एवं 12वीं में 70% से अधिक अंक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस से सम्मानित किया गया। नारनौंद से हमारे संवाददाता दीपक गिरधर की रिपोर्ट। आज नारनौंद धर्मशाला में प्रतिभावान छात्र छात्राएं सम्मान समारोह किया गया, जिसमें एरिया के लगभग 700 प्लस बच्चों ने भाग लिया और इसमें सभी समाज सेवी और शिक्षा से जुड़े हुए लोगों ने उनको आशीर्वाद देने का काम किया और साथ में भारतीय जनता पार्टी के भी सीनियर कार्यकर्ताओं ने आकर यहाँ पर मंच का बच्चों का हौसला बढ़ाया और यहाँ पर बड़ी खुशी का माहौल रहती थी। कार्यक्रम का मुख्य मकसद ये था कि ये जो शिक्षा के क्षेत्र में पहले पिछड़ा हुआ एरिया माना जाता था, अब बच्चों ने बड़ी पढ़ाई में काफी बच्चों ने मतलब बहुत आगे बढ़ने का काम किया है और उसी कड़ी में मतलब हमने जो भारतीय जनता पार्टी को कई विकास को आगे बढ़ाने का यहाँ पर हल्के में अपना एजेंडा लिया है, उसी एजेंडे के तहत हम सभी युवाओं को और सबको साथ जोड़ रहे हैं। नारनौंद क्षेत्र के जो होनहार विद्यार्थी हैं उनको सम्मानित करने के लिए अवार्ड ऑफ एक्सीलेंस नामक प्रोग्राम रखा गया था, जिसमें क्षेत्र के 722 विद्यार्थियों को सम्मानित किया गया। जो कि वो होनहार विद्यार्थी जिन्होंने 10वीं और 12वीं में 75% से अधिक का स्कोर हासिल किया है। दो तीन ऐसे विद्यार्थी भी थे जो अलग अलग क्षेत्र में प्रतिभा रखते थे। 722 जो विद्यार्थी थे वो शिक्षा के क्षेत्र में जिन्होंने 10वीं और 12वीं में अच्छे अंक प्राप्त किए वो विद्यार्थी थे। 3 विद्यार्थी सांस्कृतिक क्षेत्र में जिन्होंने सराहनीय कार्य किया उनको सम्मानित किया गया। यह इस साल का 7वां प्रोग्राम है जो इस प्रकार सम्मानित किए गए हैं। हिसार जिले का पहला और अलग अलग क्षेत्रों में, जैसे कल ही हमने प्रोग्राम कैथल में किया, उसके आसपास जो और गाँव हैं जहाँ भी हमें ऐसा लगता है कि क्षेत्र में ऐसी जरूरत है, वहाँ लगातार हमारी संस्था इस प्रकार के मान सम्मान समारोह आयोजित करती रहती है। हमारे फेसबुक पेज को लाइक फॉलो और शेयर करें, साथ ही यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ताज़ा खबरों के लिए बेल आइकॉन को दबाना न भूलें।